हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सीटेट में कई बार पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6 इन 70,560 इज़। हमें 70,560 दिया हुआ है, उसमें हमें 5 का और 6 की प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। अब जैसे हमें क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 70,560, अब प्लेस वैल्यू होता है, जैसे ये फर्स्ट ज़ीरो दे रखा है, ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा हंड्रेड प्लेस है, और ये थाउजेंड प्लेस है, और ये 10,000 प्लेस है। ठीक है, ये हमारे प्लेस वैल्यू होती हैं और फेस वैल्यू हमारा वही नंबर होता है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था 5 का प्लेस वैल्यू। 5 देखिए कौन से प्लेस पर है, वंस टेंस हंड्रेड। तो जो 5 का प्लेस वैल्यू होगा, 5 इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू हो गया हमारा 500। और नेक्स्ट हमारा है 6। 6 का प्लेस वैल्यू जो है वो है वंस और टेंस, तो 6 इंटू 10, तो ये आ गया हमारा 60। अब पूछा गया है कि जो प्लेस वैल्यू 5 की है और 6 की है, इनका प्रोडक्ट क्या है। तो अगर हमें 500 को और 600 को मल्टीप्लाई करूं, तो हमारा जो आएगा 3 लाख आएगा, 30,000 आएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 30,000। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35,362 इज। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि जो प्लेस वैल्यू है 5 की और फेस वैल्यू है 5 की, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमें जो नंबर दिया हुआ है वो था 35,362। अब हमें पता है कि जो ये है फर्स्ट वाला, ये प्लेस वैल्यू है वंस होता है हमारा, ये सेकंड, ये हमारा है टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, और ये 10,000, ये 1000 और ये 10,000। अब हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 का जो प्लेस वैल्यू है और 5 का जो फेस वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो हमारा 1000 है, तो 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1000। 5 इंटू 1000 हमारा हो गया 5000, ये हमारा हो गया इसका प्लेस वैल्यू हो गई है। अब फेस वैल्यू जो हमारे पास है, फेस वैल्यू जो है वो हमारा 5 का 5 ही रहेगा। अब इसमें बोला इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4995। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, हमारा था ऑप्शन 4995। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।